नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट पंडास में। दोस्तों, गायत्री रबर्स एंड केमिकल्स का आईपीओ आने वाला है, तो आज हम इस आईपीओ का फुल रिव्यू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कंपनी क्या करती है, सेकंड कंपनी के फाइनेंशियल्स और उसके ऊपर कितना कर्जा है वो चेक करेंगे, थर्ड पीयर कंपेरिजन और वैल्यूएशन चेक करने वाला है। तो वैल्यूएशन में बेसिकली ये चेक करेंगे कि जिस प्राइस पे कंपनी आईपीओ ला रही है क्या वो ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। फोर्थ आईपीओ की डिटेल्स चेक करेंगे और लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहना। दोस्तों, कंपनी की बात की जाए तो कंपनी रबर का जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसका सप्लाई करती है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी काफी सारे प्रोडक्ट्स है जिसका मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि एल्यूमिनियम रबर प्रोफाइल। तो इसका दोस्तों यूज जो होता है वो एल्यूमिनियम के खिड़की और दरवाजों में किया जाता है। सेकंड, ऑटोमोबाइल रबर प्रोफाइल्स। थर्ड, स्पॉन्ज रबर कंपोनेंट्स। फोर्थ जो है क्लियर पीवीसी प्रोफाइल, और फिफ्थ जो है इंडस्ट्रियल रबर। इसके अलावा जो है कंपनी रेलवे सेक्टर रबर का भी यूज और मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो दोस्तों रबर्स का नॉर्मली कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो कि रेलवे का जो ये विंडो है, ठीक है, ये ट्रेन का जो विंडो है इसके साइड में ही अगर आप देखोगे इसकी बॉर्डर लाइन, तो यहाँ पे रबर से इसको जो है चिपकाया जाता है। कोई भी अगर विंडो रेलवे का जो विंडो होता है, उसके अलावा जो कार के जो विंडोज होते हैं उनको भी जो है साइड में से रबर का सीलिंग किया जाता है ताकि वो उसके साथ अटैच रहे। तो नॉर्मली ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो है रबर का काफी यूज किया जाता है टू अटैच द विंडोज। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रेलवे में भी जो है इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है। अभी दोस्तों अगर मैं इनके क्लाइंट बेस की बात करूं तो आप देखोगे टाटा, अशोक लीलैंड, बजाज, पियागो, जिंदाल स्टील एंड पावर, नालको एंड बैनको। तो ये अगर आप देखोगे कि ये तीन चार जो क्लाइंट्स इनके ऑटोमोबाइल सेक्टर से और काफी रेप्यूटेटेड क्लाइंट्स है, टाटा, अशोक लीलैंड, बजाज वगैरह। तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि कंपनी का कितना अच्छा खासा बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं प्रमोटर्स के एक्सपीरियंस की बात करूं तो 26 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है ओवरऑल इस कंपनी का, और 45 से भी ज्यादा जो है इनके पास मशीनरी से जहां पे जो है ये रबर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्लस 70 से ज्यादा इनके पास एम्प्लॉइज है। और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात की जाए तो 50,000 स्क्वायर फीट में जो है ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फैली हुई है। तो ओवरऑल अच्छा खासा यहाँ पे इन्होंने बिजनेस जो है डेवलप कर रखा है। अभी अगर फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो मार्च 2020 में इनका जो प्रॉफिट था सिर्फ 7 लाख रुपए का था, मार्च 2021 में ये बढ़ के अराउंड 14.5 लाख हो गया, और मार्च 2022 आते आते इनका जो प्रॉफिट है वो 81 लाख तक जो है पहुंच गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट में लगातार इंक्रीज हो रहा है। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो 6.5 करोड़ का रेवेन्यू था मार्च 2020 में, 2022 में इनका रेवेन्यू बढ़ के अराउंड 17 करोड़ के आसपास पहुंच गया। मतलब लगातार यहाँ पे जो है इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है रेवेन्यू और प्रॉफिट में। वहीं अगर मैं इनके कर्जे की बात करूं तो 2021 तक कोई कर्जा नहीं था, लेकिन 2022 में इनका जो कर्जा था वो अराउंड बढ़ के 3 करोड़ हो गया, और अभी इन्होंने फिर से कर्जा अपना डिक्रीज किया है। तो दिसंबर में अगर आप इनका कर्जा देखोगे तो 80 लाख के आसपास का जो है इनका कर्जा है, तो ये 3 करोड़ के आसपास था और वहां से डिक्रीज करके ये 80 लाख पे पहुंचा है। तो काफी एक अच्छी चीज है, कंपनी अपना जो है अपने आप को डेट फ्री रखना चाहती है। और वहीं इनके अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं तो सिर्फ 23 लाख का नेटवर्थ था मार्च 2020 में, ये बढ़ के अभी 4.5 करोड़ का हो गया एज ऑन दिसंबर। तो यहाँ पे फाइनेंशियल्स जो है यहाँ पे काफी हमें स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। और वहीं दोस्तों अगर मैं इसके वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव की बात करूं तो इसका ईपीएस जो है मार्च 2022 के अंदर था वो 15.58 का ईपीएस था, और वहीं जिस प्राइस पे कंपनी आईपीओ ला रही है वो 30 रुपीज का प्राइस है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो इसका निकल के आएगा वो 1.92 का निकल के आएगा दोस्तों। तो काफी ऐप में जो है ये रीजनेबल रेट में जो है आईपीओ ला रहा है इनका। अगर आप इवन नेटवर्थ ये नेट एसेट वैल्यू भी चेक करोगे तो वो भी जो है अराउंड 16 के आसपास का होगा, और जिस प्राइस पे कंपनी आईपीओ ला रही है वो 30 का है, तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ही है। तो यहाँ पे मुझे वैल्यूएशन जो है काफी रीजनेबल लग रहा है। प्लस हम इसमें पीयर कंपैरिजन नहीं कर सकते बिकॉज कंपनी के हिसाब से देयर आर नो लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया डेट इंगेज इन बिजनेस सिमिलर टू द अवर कंपनी। कंपनी का कहना ये है कि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है इंडिया के अंदर जो कि लिस्टेड हो
और जो कि सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में हो, जो कि इस कंपनी का बिजनेस है, तो हम यहाँ पे पीयर कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। अभी दोस्तों अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें इसके, तो पहला ऑब्जेक्ट रहेगा टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकंड जो रहेगा टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, और थर्ड जो है टू मीट इश्यू एक्सपेंस। तो ये जो तीन है वो ऑब्जेक्ट रहेंगे कंपनी के। आईपीओ डिटेल्स की बात की जाए तो 25 जनवरी को ये आईपीओ आने वाला है और 30 जनवरी को ये क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू जो रहेगा वो ₹10 प्रति शेयर, और जो प्राइस रहेगा वो ₹30 प्रति शेयर का रहेगा। लॉट साइज 4000 शेयर्स का रहेगा और इश्यू साइज बहुत ही छोटा है, 4.5 करोड़ के आसपास का इश्यू, और पूरा का पूरा फ्रेश इश्यू इसमें रहने वाला है। इश्यू टाइप जो रहेगा फिक्स प्राइस इश्यू, और HNI कैटेगरी में 50% ऑफ द शेयर्स और रिटेल कैटेगरी में 50% ऑफ द शेयर्स अलोकेट किए जाएंगे। और इसका जो लिस्टिंग रहेगा वो NSE SME पे रहने वाला है, और कंपनी के तीन प्रमोटर्स है, मिस्टर शिल्प चोटाई, सेकंड जो है मिस्टर उत्सव चोटाई, और थर्ड जो है मिस्टर मनोज कुमार अग्रवाल। ये तीन कंपनी के प्रमोटर्स है। और अलॉटमेंट की बात की जाए तो 2 फरवरी तक जो है ये आईपीओ अलॉट हो जाएगा, रिफंड आ जाएगा 3 फरवरी तक, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 6 फरवरी तक, और लिस्टिंग डेट जो रहने वाला है वो 7 फरवरी का रहने वाला है। अभी दोस्तों अगर मैं आईपीओ के लॉट साइज की बात करूं तो यहाँ पे मिनिमम जो है 1 लॉट रहेगा और 4000 शेयर्स का रहेगा, मतलब मिनिमम आपको ₹1,20,000 चाहिए होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए, वही मैक्सिमम भी जो है इतना ही चाहिए होगा रिटेल कैटेगरी के अंदर। अगर आपको HNI कैटेगरी में अप्लाई करना है तो मिनिमम आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और 8000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और उसमें जो अमाउंट चाहिए होगा आपको अराउंड ₹2,40,000 चाहिए होंगे उसमें अप्लाई करने के लिए। अभी दोस्तों अगर हम इसमें होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स का होल्डिंग आईपीओ आने से पहले 100% था, और आईपीओ आने के बाद जो है 73.37% का रहने वाला है, मतलब प्रमोटर्स के पास जो है एक मेजोरिटी ऑफ द स्टेक रहने वाला है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जितना ज्यादा प्रमोटर्स के पास स्टेक रहेगा उतना ही जो है कंपनी आगे ग्रो कर सकती है, और उतना ही जो है आगे वो जितने भी इनके शेयर होल्डर्स है उनको भी बेनिफिट उसका इनडायरेक्ट वे में जो है मिल सकता है। अभी दोस्तों इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो उसके रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप देखोगे दोस्तों ये कंपनी को अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 26 इयर्स से जो है ये सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है। सेकंडली इनके पास अच्छा खासा एक क्वालिटी है, और इनके अगर आप क्लाइंट देखोगे तो टाटा अशोक लीलैंड बजाज जो कि रेप्यूटेटेड है मार्केट में वो सभी इनके क्लाइंट्स है। और फाइनेंशियल्स में हमने देखा कि फाइनेंशियल्स भी इनके जो है लगातार रेवेन्यू जो और प्रॉफिट जो है इनका इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे जो है इनका ओवरऑल टॉप मैनेजमेंट भी काफी यहाँ पे बेहतर दिख रहा है। और वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव के हिसाब से दोस्तों मैं बोलूं यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि उनका काफी रीजनेबल है, तो ओवरऑल सभी फैक्टर्स जो है यहाँ पे काफी पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। तो आप चाहो तो इस आईपीओ में जरूर अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई दोस्तों आप अपना एनालिसिस करना उसके बाद ही करना, ये तो मैंने अपना एनालिसिस बताया था, लेकिन इनकेस अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप जरूर अपना एनालिसिस करना और इसके बाद डिसाइड करना कि आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।